नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक पे बात होगी प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद होने वाले बदलावों की, झारखंड में हेमंत सरकार की मुसीबत की और भारतीय जमीन पर निर्मित पहला C-295 एयरक्राफ्ट की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार ने जारी की लिस्ट, अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को दिया टिकट। त्योहारों की सीजन में फेक मैसेज को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। पराली के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने पंजाब के सीएम को लिखी चिट्ठी। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। हसीना की पार्टी के 50,000 छात्रों का जीवन संकट में, करना पड़ रहा अंतरिम सरकार की कार्यवाही का सामना। सलमान को धमकाने वाले बिश्नोई गैंग ने बिहार के सांसद को दी धमकी, पप्पू यादव ने लॉरेंस को दी थी चुनौती। बीएसएफ के डीजी ने दक्षिण बंगाल का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। धनतेरस 2024 से पहले कम हुए गोल्ड के दाम, ग्राहक कर सकते हैं बचत। एक हफ्ते की गिरावट के बाद बाजार में संभला बाजार, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। सीएम योगी ने शुरू की 5.86 करोड़ की संस्कृत स्कॉलरशिप, आवासीय गुरुकुल भी खोलेंगे। हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। पिछले 10 सालों में कांग्रेस को कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। अब प्रियंका गांधी ने वायनाड से लोकसभा के लिए नामांकन भरकर एक नई शुरुआत की है। इसे ये उम्मीद बंधी है कि वह जल्द ही संसद में दिखाई देंगी। प्रियंका ने वायनाड के लोगों के लिए एक भावुक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय समुदाय की मजबूती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज के नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उनका मानना है कि जनता अब सच्चाई और ईमानदारी चाहती है। प्रियंका का जोर महिलाओं के मुद्दे को उठाना और उन्हें राजनीति में जगह दिलाने पर है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर उनकी आवाज संसद में महत्वपूर्ण हो सकती है। उनकी सोच से ये भी स्पष्ट होता है कि वे राजनीति को सिर्फ वोट मांगने का साधन नहीं मानती, बल्कि इसे समाज की बेहतरी का माध्यम मानती हैं। प्रियंका गांधी ने एक ऐसा दृष्टिकोण पेश किया है जिसमें नेताओं को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होना चाहिए। उनकी ये सोच सियासत में एक नई दिशा दे सकती है, खासकर जब आज के दौर में कई नेता केवल चुनावी फायदे के लिए जनता को इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो जब इस समय जब समाज में नैतिकता और सच्चाई की कमी महसूस की जा रही है, तो प्रियंका गांधी की संसद में उपस्थिति एक नई उम्मीद का प्रतीक बन सकती है। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि महिलाओं और आम नागरिकों की एक मजबूत आवाज बनकर उभर रही हैं। उनके प्रयासों से आशा है कि लोकतंत्र को फिर से उसकी जड़ों को और लौटाया जा सकेगा, जहाँ हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। जरा सोचिए, क्या बीजेपी सच में दूसरी पार्टियों से अलग है? झारखंड में हाल ही में हुई एक कार्यवाही ने सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और ये कदम एक ऐसी चाल साबित हो सकता है जो हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की नींद हराम कर देगी। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने झारखंड की राजनीतिक फिजा को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर ली है। रविंद्र राय की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार टिकट ना मिलने वाले 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार बागी हो गए थे और अब राय के नेतृत्व में ये सभी एकजुट हो सकते हैं। ये कदम हेमंत के खेमे में बवाल मचा सकता है, खासकर तब जब अगड़ी जातियों के बीच रोष भी फैला हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविंद्र राय की बाजीगरी से हेमंत और उनके सहयोगियों की रणनीतियां ध्वस्त होंगी। झारखंड की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां राय की एंट्री ने कई समीकरणों को बदल दिया है। उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी उन पर कितना विश्वास कर रही है। तो हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तैयार रहे, क्योंकि बीजेपी का ये दाव उनको 50 कदम पीछे खींच सकता है। अब खेल होगा गर्म और टेंशन बढ़ेगी। क्या वे इसे सहन कर पाएंगे? वक्त बताएगा। इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। आज भारतीय एयरक्राफ्ट उद्योग ने एक नई ऊंचाई हासिल की।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेद्रो सांचेज ने गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया। जी हां, ये भारतीय जमीन पर निर्मित पहला C-295 एयरक्राफ्ट है और इसकी खुशी का माहौल तो लाजवाब है। टाटा और फ्रांस की एयरबस की जोड़ी इसे तैयार करने में जुटी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश के एयरक्राफ्ट उद्योग का मील का पत्थर करार दिया है, जो न सिर्फ हमारे सुरक्षा बलों को और मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आपको जानकर दिलचस्पी होगी कि 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस और स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए का करार किया था। इस समझौते के तहत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को दिए जाएंगे। इनमें से 16 पूरी तरह स्पेन से तैयार होकर आएंगे, जबकि बाकी 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा में असेंबल किए जाएंगे। पहली उड़ान सितंबर 2026 में होने की उम्मीद है, लेकिन असली दिलचस्पी की बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में करीब 14,000 पार्ट्स लगे हैं, जिनमें से 13,000 मेड इन इंडिया है। यही नहीं, एयरबस ने पहले ही 37 स्थानीय सप्लायर की पहचान कर ली है, जिसमें से 33 छोटे और मध्यम उद्योग हैं। इसका मतलब यह है कि पहले की तुलना में लोकल कंटेंट 48% से बढ़कर 75% हो गया है। ये सिर्फ भारतीय कंपनियों को मजबूती देने का मामला नहीं, बल्कि उनकी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने की भी एक योजना है। C-295 एयरक्राफ्ट की क्षमता भी काबिले तारीफ है। ये 5 से 10 टन का कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है और जटिल माहौल में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इससे भारतीय एरोस्पेस में न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि एयरबस भी अपने मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट कर रही है। टाटा एयरबस की इस जुगलबंदी से 600 प्रत्यक्ष और 3,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का निर्माण होगा, यानी कि भारत के एयरक्राफ्ट उद्योग में ये नया कदम सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और विकास की नई उड़ान है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक खास बात आपसे जरूर करें। दिवाली आ गई है और दिवाली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर है जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानें और उसे जगाएं। इस साल क्यों ना हम बाहरी रोशनी के बजाय अपने मन में उजाला भरें और इंसानियत को जिंदा करें। इस दिवाली आइए हम अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। एक मुस्कान या एक छोटा सा दान भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही पटाखों के बजाय दियों की रोशनी को प्राथमिकता दें। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि हम अपने समाज को भी रोशन कर सकते हैं। चलिए हम इस दिवाली एक नई परंपरा की शुरुआत करें, इंसानियत को जिंदा रखने की। प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। यही सच्ची दिवाली है जो हमें हर साल मनाने का सही कारण देती है। दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।